अक्सर ये माना जाता है कि खेती के काम पुरुष बेहतर तरीके से कर सकते हैं और वैसे आज तक यही दिखता भी रहा है। महिलाएं इस क्षेत्र में सिर्फ कटाई बुआई और गहाई जैसे कामों तक ही सीमित रह गई, लेकिन पूरी तरह से कृषि संभालने का अवसर नहीं मिला। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है, तो भला कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी भूमिका एकदम नगण्य भला कैसे हो सकती थी। जी बदली सोच के साथ कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की एक मजबूत भूमिका होने वाली है। अब आने वाले समय में महिलाएं भी खेती से जुड़ी तकनीक और नए नए प्रयोग कर खेती किसानी में सक्रिय भूमिका अदा करती देखी जा सकेंगी। जी हाँ, ये 100% सच है। एग्रीकल्चर से जुड़ी पढ़ाई को लेकर बालिकाओं की नई पौध तैयार करने का बीड़ा उठाया है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के 4 सरकारी और 18 स्वायत्त शासी कॉलेजों में इस नए सत्र से बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसी पहल में भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय में भी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने हमारे कॉलेज को चुना, चूँकि ये स्वशासी महाविद्यालय है। हमने काफ़ी तैयारी भी की है इसके लिए, चूँकि ये पहला साल होगा, फर्स्ट ईयर होगा, तो हमें बहुत सारे, चूँकि साइंस का है तो हमें लेबोरेटरी की भी व्यवस्था करनी है, हमारे फील्ड में जो है प्रैक्टिकल होते हैं उनकी भी व्यवस्था करनी है। तो ये जो एरिया है, 4 प्लॉट है, इसको जो है छोटे छोटे जो टुकड़े में हैं, खंड में हैं, उनको हमने कृषि के लिए रखा है, बीएससी कृषि के बाहर जो फील्ड प्रोजेक्ट होते, फील्ड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके लिए। अभी जो है उस शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों को 50 सीट की अनुमति दी गई है। कोर्स को महाविद्यालय के पोर्टल पर भी ऐड कर दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। कॉलेज में 50 सीटों के साथ ये पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एक जगह ऐसी चिन्हित करना चाह रहे हैं, एक पीस ऑफ लैंड ऐसा बनाना चाह रहे हैं जहाँ मिट्टी कैसे तैयार होती है, सॉइल परीक्षण कैसे होता है, खाद कैसे बनाते हैं, बीजारोपण कैसे होता है, उसका संरक्षण ये बच्चे यहाँ पे भी सीख सकते हैं। और एट द सेम टाइम आसपास के जो किसान हैं बड़े बड़े जैसे, तो अगर वो अपने खेतों में ले जा कर के फसल के समय, फसल से पहले कैसे पराली है, क्या होती है, कैसे पानी देना है, किस समय पानी चलाना है, कैसे रक्षा करनी है, और सबसे बड़ी बात पेस्टिसाइड्स जो इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए इतना दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। कॉलेज ने किसानों से भी अनुबंध किया है ताकि छात्राएं खेत में जाकर खेती किसानी के गुर सीख सके। अलावा इसके नबीबाग और सीहोर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में भी छात्राओं को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। वहीं कॉलेज में भी 500 स्क्वायर फीट की जगह छात्राओं के प्रैक्टिकल के लिए अलग से तैयार की जा रही है। नूतन कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है, नया इंट्रोड्यूस कोर्स कर रहे हैं बीएससी का एग्रीकल्चर, तो जो छात्राएं, जो बच्चे शादी होकर के मेरी समझ से आसपास के इलाकों में जाया करती हैं, जहां उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है कि उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उन्होंने शहरों में देखी थी, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने ही घर के पेरेंट्स के, अपने ही इन लॉज के खेतों में अपना कुछ इनपुट दे पाएँ। जो खेती है उसको हम अगर थोड़ा नया स्वरूप दे दें कि नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए प्रयोग करके आज वो एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, आधा अपने पुरखों की जमीन को सहेज रहे हैं। यानी कि कोर्स करने के बाद छात्राओं को कहीं बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं, वे अपने ही फार्म में अपने सीखे हुए टेक्निक को इस्तेमाल कर सकती हैं और परिवार की आय बढ़ाने में सहायक भी हो सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि हम सब कहीं ना खेत किसानी से जुड़े हुए हैं, और जैसे हमारे फादर्स लोग हैं, ठीक है, जो खेती करते हैं, तो उनको ना उतना नॉलेज नहीं हो पाता, जैसे वो यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं खेतों में, जैसे कि अब हम जितनी नीड नहीं भी होती पौधों को उतना डाल देते हैं, बट अगर हम जैसे बच्चे हैं, अगर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना मात्रा में यूरिया डालना है, कितना हमें दवाइयाँ यूज़ करनी है, क्या मतलब कौन सी दवाइयाँ हमारे खेती के लिए हानिकारक है, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, इससे नए नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उन्हें फार्म पर भी ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई से बेटर एक प्रैक्टिकल जो होता है वो ज़्यादा मतलब स्टूडेंट के दिमाग में जाता है, जो प्रैक्टिकल करते हैं करके सीख पाएंगे, इससे अलग अलग फील्ड में जॉब ऑफर तो है। कोर्स करने के बाद एक और तो छात्राएं आत्मनिर्भर बनेंगी, साथ ही उनके सामने अपने खाली समय का उचित और संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।